screens, the maneuvering of the vehicle, and the vehicle will now be traveling across the span of water in front of you, and the displays on the two screens will appear shortly. The movement of the vehicle can be, you know, tracked across the screen. The blue screen, to be precise, you can see the movement. The screen displays the feedback from the side scan sonar system, which enables it to gather valuable data about the seafloor and underwater objects. Side scan sonar works by emitting caustic pulses to the sides of the AUV and recording the echoes reflected back from the seafloor and any submerged objects, as you can see here. The metal pieces that you shall see currently in the waterbed can be the mines or other objects at the seabed, which are thus identified as potential hazards, offering users unparalleled insights into the underwater environment. स्क्रीन पर साइड स्कैन सोनार सिस्टम के फीडबैक को प्रदर्शित कर रहा है, जो इसे समुद्र तल और अंतर्जलीय वस्तुओं के बारे में मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने में सक्षम बनाता है। साइड स्कैन सोनार एयूवी के किनारों पर ध्वनिक तरंगों को उत्सर्जित करके और समुद्र तल और किसी भी जलमग्न वस्तुओं से परावर्तित प्रतिध्वनि को रिकॉर्ड करके काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, धातु के टुकड़े जो आप वर्तमान में इस जल तल में देख सकते हैं, वे समुद्र तल पर खदानें या अन्य वस्तुएं हो सकते हैं, जिन्हें इस प्रकार संभावित खतरों के रूप में पहचाना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को अंतर्जलीय वातावरण में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एयूवी आवधिक रूप से सतह पर वापस आने के माध्यम से दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, त्रुटि सुधार, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एयूवी अपने इच्छित पथ से विचलन को न्यूनतम रखते हुए अपने पथ पर बना रहे और ऑपरेटरों के लिए क्षितिज अपडेट रियल टाइम को सक्षम करे, ताकि वे एयूवी की प्रगति को ट्रैक कर सके और मिशन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर सके।
This project symbolizes a vibrant collaboration between GRSE and NMSME aerospace engineers. The synergy around this public-private partnership model is another significant step by GRSE towards Atmanirbharta in defense and moving towards the Government of India's vision of Amrit Kaal. यह जीआरएसई परियोजना एक प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता फर्म एक इनोवेटर मैसर्स एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक जीवंत सहभागिता का प्रतीक है। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का तालमेल जीआरएसई द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारत सरकार के अमृत काल के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। That marks the culmination of the launch event, ladies and gentlemen.